Welcome dear students, so here we will start section D from the same basic mathematics paper which was held on 11 March 2024. So this is question number 32. So here it belongs to the chapter triangle 6. Isme aapka A part and B part both belongs to the same chapter triangles. So let's read A part of section D, 32 question. If BD and QM are medians of triangles ABC and PQR respectively, where triangle ABC is already similar to PQR, then show that AB by PQ equal BD by QM. So this is from NCERT directly. आपको दिया गया है कि BD and QM दो medians हैं इन दो triangles में. So let's draw these two triangles. After that we will discuss further. So we have two triangles A, B and C. Another triangle is P, Q and R. So median BD is given. आपको कौन सी median given है? BD. So this is median BD. So what a median do? Median क्या करती है? Opposite side जहाँ पर भी वो गिरती है उसे bisect करती है. So AD will be equal to DC. So again another median for PQR is QM. So QM is another median. So I am just drawing a median QM in another triangle. Again this is a median, so this will also bisect the opposite side. So here it is given that further ki triangle ABC is already similar to PQR and these two are medians, then we have to show this thing. So hum kaise karte hain? First we write given to show and our proof. So given, so given condition is BD and QM are medians with triangle ABC is similar to triangle PQR. यानी इस क्वेश्चन में हमें पी क्यू ए डी एंड क्यू एम मीडियंस दी गई हैं. आप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं किन दो ट्राइंगल्स की हैं और आपको ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर दिए गए हैं पी क्यू आर के. दिस इम्प्लाइज आपको पता है जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होता है. सो वी हैव कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज ए बी बाई पी क्यू. ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ इट विल बी इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर and always AC by PR. So हमेशा याद रखना है whenever triangles are similar, so their corresponding sides have same ratio and their corresponding angles are equal. A will be equal to P, angle A equal angle P, angle B equal angle Q, angle C equal angle R. So we are done with the given part. Now we need to show relation. What was the relation? We have to prove AB by PQ. ए बी बाई पी क्यू बी डी बाई क्यू एम इक्वल बी डी बाई क्यू एम. सो वेन एवर यू हैव टू प्रूव टू रेशियोज इक्वल, सो हमें ये पहचानना है टू विच ट्राइंगल दीज बिलोंग्स. तो उन्हीं ट्राइंगल्स को हम सिमिलर लाएंगे और सिमिलरिटी से हम इनको शो कर सकते हैं. सो ए बी ए बी सी ए बी इज दिस साइड पी क्यू पी क्यू इज दिस साइड BD, BD is this side and QM is this side. So that means I can say these two side belongs to upper triangle. So this triangle we have to show similar to this one. और जैसे ही हम इन दोनों को similar show कर पाएंगे so हमारा काम हो जाएगा. So proof. So in triangle ABD, and triangle ए बी डी एंड पी क्यू एम. सो ट्राई टू आइडेंटिफाई कि क्या दोनों में इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी रेशियो में है या फिर कौन सा एंगल इक्वल है, सो दैट वी कैन यूज सम सिमिलरिटी क्राइटेरिया. सो अभी आपने देखा है एंगल ए एंड एंगल पी बोथ आर इक्वल वाई सी फ्रॉम दिस वन. एंगल ए इक्वल एंगल पी. ओके एंड वी विल कॉल दिस कम्प्लीट स्टेटमेंट. जो हमने सारा डाटा अपना कलेक्ट किया है इसे हम इक्वेशन वन बोल देते हैं ताकि लास्ट में मैंशन कर दें यूजिंग इक्वेशन वन. सो एंगल इक्वल एंगल पी है. और बताइए देखिए क्या ए बी बाई पी क्यू ये दो साइड रेशियो में आ रही हैं. ए बी बाई पी क्यू देखो रेशियो में आ रहा है. और क्या हमारा ए सी बाई पी आर भी रेशियो में आ रहा है. देखो ए सी बाई पी आर भी रेशियो में आ रहा है. अगर हम इस साइड का हाफ करें तो ए डी मिल जाएगा, इस साइड का हाफ करें तो पी एम मिल जाएगा. यानी ये दो साइड्स जो हैं इस ट्राइंगल की
ये दोनों सिमिलरिटी शो करने में हेल्प करेंगी. सो हम लोग लिख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू इक्वल ए सी बाई पी आर बोथ फ्रॉम इक्वेशन वन यूजिंग इक्वेशन वन. हमने ए बी बाई पी क्यू क्यों लिया, क्योंकि ए बी बाई पी क्यू बिलोंग्स कर रहा है इस ट्राइंगल से. सिमिलरली ए सी बाई पी आर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ए सी बाई पी आर भी इन दो ट्राइंगल से बिलोंग कर रहा है. ए सी का हाफ बिलोंग कर रहा है, पी आर का हाफ बिलोंग कर रहा है. अब थर्ड जो बी सी क्यू आर था हम उसे लेंगे ही नहीं, क्योंकि बी सी क्यू आर इज़ लाइंग आउटसाइड द ट्राइंगल. राइट नाउ सी, आप ध्यान दो, अगर दिस इम्प्लाइज ए बी बाई पी क्यू को तो हम सेम लिखेंगे. नाउ केयरफुली लुक हेयर, क्या हम ए सी को ए डी का डबल कह सकते हैं? राइट, क्योंकि ये मीडियम थी तो हाफ ऑफ हो गया था. सो ए सी को लिख सकते हैं डबल ऑफ ए डी. एन पी आर को लिख सकते हैं डबल ऑफ पी एम. ये हमने कैसे लिखा, बिकॉज बी डी एंड क्यू एम आर मीडियंस. राइट, सो नाउ व्हाट वी हैव, ये इससे कट हो गया. क्या मिल रहा है, देखो रेशो ध्यान से देखना. ए बी बाई पी क्यू ए डी बाई पी एम, यानी ये दो साइड और ये दो साइड, इन दो का रेशियो बराबर. तो दो साइड का रेशियो बराबर है, और क्या बीच का इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है? यस, एंगल ए एंगल पी के बराबर है. तुम कह सकते हैं बाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल दीज टू आर सिमिलर. सो वी कैन से ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम बाई एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. हैंस व्हेनेवर टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगेन आई विल राइट कि उनकी साइड का रेशियो इक्वल होने वाला है. हैंस ए बी बाई पी क्यू बी डी बाई क्यू एम ए डी बाई पी एम बाई सी पी एस टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. नाउ वॉट वी नीड टू शो, हमें ए बी बाई पी क्यू को बी डी बाई क्यू एम लाना है. तो हम ये दोनों आगे बढ़ा लेते हैं. दिस इम्प्लाइज ए बी बाई पी क्यू इक्वल बी डी बाई क्यू एम. हैंस प्रूव्ड. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 32. नाउ लेट्स कम टू द बी पार्ट. नाउ बी पार्ट, सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाइज ऑन साइड ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एफ ई जी रेस्पेक्टिवली. इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी देन शो दीज टू पार्ट्स. अगेन दिस इज फ्रॉम एन सी आर टी डायरेक्टली. सो हमें दिए गए हैं दो बाइसेक्टर्स इन दो एंगल्स के. सो हम लोग ये बना लेते हैं फिगर. सो वी हैव वन एंगल ए सी बी, है ना. वी शुड हैव एरोज बट आई एम लिविंग बिकॉज फिगर इज इनकम्प्लीट. सो अनदर एंगल इज ई जी एफ ई जी एफ. सो फर्दर गिवन दैट सी डी एंड जी एच बाइसेक्टर हैं. सो सी डी, सी डी बाइसेक्टर कैसे होगा? अब सी जाहिर सी बात है यहाँ तक डी होगा, आगे भी जा सकता है. एंड जी एच आगे हमें गिवन है कि हमें इसे प्रोड्यूस करना है कि यहीं छोड़ना है. सच दैट डी एन एच लाइज ऑन ए बी एन एफ ई, सच दैट डी लाइज ऑन ए बी. देखो डी लाइज ऑन ए बी सही बनाया हम लोगों ने, एंड एच लाइज ऑन एफ ई. सो वॉट आई डिड इन अर्लियर फॉर्म, हमें इसे बाइसेक्टर दिखाना है. सो ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है. राइट, चलो फर्दर इट इज़ गिवन दैट कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो आपको ये दो पार्ट शो करना है. सो फर्स्ट आई विल राइट गिवन. सो गिवन इज सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एन एंगल ई जी एच ई जी एफ, सॉरी इट इज ई जी एफ. ओके, ऑल्सो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी. ए बी सी एफ ई जी, सो सी द सीक्वेंस.
ABCFEG, इसका क्या मतलब बैठता है? एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल एफ, इसका मतलब बैठता है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल एंगल जी. दैट मीन्स ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के. ठीक, नाउ टू शो वी नीड टू शो टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज सी डी बाई जी एच ए सी बाई एफ जी. सेकेंड पार्ट ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई. ओके, नाउ प्रूफ. व्हेनेवर वी नीड टू फाइंड तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं, और जब हमें शो करना होता है तो हम प्रूफ लिखते हैं या टू प्रूफ करना होता है. सो सी डी बाई जी एच देखते हैं. पहले सी डी इज हेयर एंड जी एच इज हेयर. ए सी बाई एफ जी, वेयर इज ए सी? ए सी यहाँ है एंड एफ जी नीचे है. यानी कि हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर लाना है, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट को. तो इन दोनों को सिमिलर लाएंगे क्यों? बिकॉज वी हैव टू शो देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो. सो वी विल कंसिडर देम ओनली. सो प्रूफ इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी एंड ट्राइंगल एफ जी एच. ए सी डी और एफ जी एच में आपको कैसे मिलर शो करना है? देखिए कैसे हो सकता है. सबसे पहले आपको पता है एंगल ए ऑलरेडी एंगल एफ के बराबर है. हमने भी यहाँ पर लिखा है क्वालिटी इक्वेशन वन, ये हमने यूज़ किया है गिवन स्टेटमेंट से. एंगल ए इक्वल एंगल एफ, ये गिवन है, या फिर आप कह सकते हैं यूजिंग वन. ऑल्सो ध्यान दो कि एंगल सी क्या एंगल जी के बराबर है. देखो इस फिगर में सी इक्वल जी भी दिया गया है. एंगल सी इक्वल एंगल जी, एंगल सी इक्वल एंगल जी, इट इज़ ऑल्सो यूजिंग वन. दोनों यूजिंग वन से हैं, लेकिन हम ध्यान से देखें सी का हाफ पार्ट यूज़ करना है और जी का भी नीचे हाफ पार्ट यूज़ करना है. सो वेन एवर एंगल्स आर इक्वल, सो दिस इम्प्लाइज देयर हाफ ऑफ वैल्यूज आर ऑल्सो इक्वल, हाफ ऑफ एंगल जी. एंड कैन आई से एंगल सी का हाफ हम ऊपर वाला लिख सकते हैं एंगल ए सी डी? एंगल ए सी डी इक्वल. कैन आई राइट जी का हाफ नीचे वाला? यस, एंगल एफ जी एच. ऐसा हम क्यों कर पाए हैं? बिकॉज सी डी एंड जी एच आर एंगल बाइसेक्टर्स, राइट? सो कैन आई सी फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ माई प्रूफ, एक तो हमने लिया एंगल ए इक्वल एंगल एफ, यानी कि ये वाला एंगल हम इक्वल लाए हैं एंगल एफ के, राइट? और एक लास्ट में हम लेकर आए हैं एंगल ए सी डी. एंगल ए सी डी मीन्स ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल एफ जी एच, दैट मीन्स दिस वन. ओके, सो वी कैन सी डायरेक्टली दैट टू एंगल्स आर इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल. सो दिस इज डबल ए रूल, डबल एंगल वाला रूल हो रहा है. तो हम कह सकते हैं दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. सो दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ जी एच बाई डबल ए सिमिलरिटी रूल. एंड वैन दीज टू आर सिमिलर, सो कैन आई से देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैव सेम रेशियो. तो हमें क्या चाहिए? सी डी और जी एच चाहिए. तो देखो सी डी के सामने जी एच आ रहा है, बिल्कुल सही है. सी डी बाई जी एच इक्वल ए सी, शुरू का ले लो बिकॉज शुरू का हमें प्रूव करना है. ए सी बाई एफ जी होना चाहिए, ए सी बाई एफ जी ही है. इक्वल ए सी बाई एफ जी बाई सी पी एस टी. आई होप यू गॉट फर्स्ट पार्ट. नाउ वी विल ट्राई सेकेंड वन. सेकेंड पार्ट इज ट्राइंगल डी सी बी, यानी कि आपको नीचे वाला ट्राइंगल सिमिलर शो करना है एच जी ई ऊपर वाले के. बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, हमने ये दोनों शो किए थे, सिमिलरली ये वाले दोनों हो जाएंगे. लेट्स डू दिस वन ऑल्सो. सो इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई, सो इन दोनों में ध्यान से देखिए क्या हम कह सकते हैं. एंगल बी जो हमारा है वो ई के बराबर है. देखो यहाँ लिखा है बी इक्वल ई, राइट? यानी कि एंगल बी इज़ इक्वल एंगल ई. पहली चीज़ तो ये बिल्कुल क्लियर है हमें.
एंगल बी और एंगल ई बराबर हैं. अगेन क्या सी और जी बराबर हैं? यस, सी और जी बराबर हैं. एंड एंगल सी इक्वल एंगल जी, ये दोनों यूजिंग इक्वेशन वन. अब ध्यान दीजिए, हमें लोअर पार्ट चाहिए तो लोअर एंगल लेंगे, तो एंगल सी का हाफ इस बार नीचे लिख सकते हैं. सो दिस इम्प्लाइज जब दो एंगल्स बराबर हैं तो दोनों के हाफ ऑफ एंगल्स भी इक्वल होंगे. अगेन बिकॉज सी डी एंड जी एच आर एंगल बाइसेक्टर्स, राइट. सो एंगल सी का हाफ इस बार हम लोअर पार्ट लिखेंगे. क्यों? बिकॉज हमें लोअर ट्राइंगल सिमिलरिटी में शो करना है. सो हाफ ऑफ एंगल सी को लिखेंगे एंगल बी सी डी. एंगल बी सी डी इक्वल एंगल, अब ऊपर वाला पार्ट करना है तो एच जी ई लिख लेते हैं. एच जी ई. सो इसको देखिए, बी इक्वल ई को देखिए और इन दोनों को देखिए. देखिए बी इक्वल ई का मतलब है दिस वन, ये वाला बी इक्वल ई. ठीक, बी सी डी इज वॉट, बी सी डी ये वाला एंड एच जी ई ये वाला. तो आप ध्यान दो, ये दोनों एंगल्स इन दोनों एंगल्स के बराबर हैं, तो डबल ए रूल अगेन हो रहा है. सो डायरेक्टली ट्राइंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई बाई डबल ए सिमिलैरिटी रूल. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन नंबर 32. एंड नाउ इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल बी कवरिंग 32, 33, 34 एंड रिमेनिंग क्वेश्चन. थैंक यू सो मच.